तो दोस्त, आज के शुरू में बात करेंगे बैक ऑफिस वेरिफिकेशन जॉब के बारे में कि बैक ऑफिस वेरिफिकेशन जॉब होता क्या है और ये इनका क्या रे की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया क्या होता है, या रिस्पॉन्सिबिलिटी आप कह लो कि बैक ऑफिस जॉब का होता क्या है जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में काम करते हैं। तो बेसिकली दोस्तों मैं बता दूं, जो बैक ऑफिस वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है कि जब कोई बंदा होता है, मान लो कोई पर्सन है ए, उस पर्सन को कहीं पे जॉब मिली और उस कंपनी ने जिस कंपनी में उसको जॉब मिली एक लिंक भेजा और बोला कि उस पे डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड करो, सॉफ्ट कॉपी लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपके ग्रेजुएशन डॉक्यूमेंट्स, जो भी आपके बैकग्राउंड, अगर आपको एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट्स और सैलरी स्लिप वगैरह, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको बोलती है कि आप अपलोड करो। अब आपने क्या किया कि उन सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड किया उनके पोर्टल पे। इसके बाद वो जाता है बैक ऑफिस में। बैक ऑफिस में क्या होता है कि आपने जो आधार कार्ड, पैन कार्ड, मार्कशीट वगैरह, सैलरी स्लिप जो भी आपने उस पर अपलोड करी है, वो एक एक डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करते हैं। जो उनके पास पोर्टल्स के एक्सेस होते हैं जहाँ से वो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करते हैं, तो वहाँ से बैक ऑफिस का काम शुरू होता है। आधार कार्ड आप चेक करना होता है, पैन कार्ड चेक करना होता है, मार्कशीट चेक करना होता है, सैलरी स्लिप चेक करना होता है। तो ये बेसिकली उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एरिया होती हैं। और कई बार अगर इन केस जैसे मान लो कोई डॉक्यूमेंट्स उन्हें लग रहा है कि समझ नहीं आ रहा, या हो सकता है वो डॉक्यूमेंट्स फेक है, तो फिर वो मेल पे कम्युनिकेशन भी करते हैं या उस एम्प्लॉय से फॉलो अप भी लेते हैं। जो आपने देखा होगा आपकी मेल्स आईडी पे कई बार मेल आते हैं कि आपकी ये डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग है, ये डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग है, तो वो बैक ऑफिस की टीम होती है जो वहाँ पे, जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन की कंपनी होती है वहाँ पे जो बैठी होती है बैक ऑफिस की टीम, वही आपको मेल करती है और वही आपसे फॉलो अप लेती है। तो ये सारे काम होते हैं बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव के या बैक ऑफिस बैकग्राउंड वेरिफिकेशन जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, जो कि वहाँ पे बंदे ये करते हैं। काफ़ी इजी प्रोसेस होता है, इजी टास्क होता है, बट इन द लास्ट की अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो तो बैठा के कोई पैसा नहीं देगा, आपको काम करना ही पड़ेगा। तो वो डिपेंड करता है कि 5 डेज अगर वर्किंग है तो हो सकता है 3 दिन आपको बहुत ज़्यादा काम हो, 2 दिन बिल्कुल काम ना हो, या हो सकता है कभी कभी 5 के 5 दिन आपको बहुत ज़्यादा काम हो। तो वो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आप किस ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे हो, कहाँ पे कर रहे हो और कौन सा क्लाइंट है। तो वो आपको बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कराना पड़ता है। इसके बाद जब आप बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कर देते हो, या हो सकता है उसी टाइम पे या उसके बाद में जो फील्ड ऑफिसर होते हैं जो क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करते हैं घर जाके, या एड्रेस चेक करते हैं घर जाके, जो अदर वर्क रिलेटेड होता है बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के, तो उसके बाद वो इनिशिएट कर देते हैं कि हाँ मैंने बैक ऑफिस से वेरीफाई कर लिया, या बैक एंड बोलते हैं बेसिकली, तो बोलते हैं कि बैक एंड से मैंने वेरीफाई कर लिया है, आप जाके यहाँ पे अब इनके वेरीफिकेशन आगे नेक्स्ट प्रोसेस पे ले जाओ। तो वहाँ से फिर वो वेरीफिकेशन आपका नेक्स्ट प्रोसेस पे ले जाते हैं। बाकी हार्डवेयर नेटवर्किंग में अगर आप जॉब सर्च कर रहे हो, तो नीचे मैंने कुछ शॉर्टेड क्वेश्चन आपको दिए जो कि आपको 95% इंटरव्यू में वही मिल जाएंगे। आप चाहो तो लिंक पे क्लिक करके चेकआउट कर सकते हो, और मेरा बेस्ट रिज्यूमे नीचे पड़ा जो कि आपको 100% शॉर्टलिस्ट कराएगा आईटी की प्रोफाइल में। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।